नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। काफी इंतजार के बाद आज सुपर अस्पताल का विधिवत उद्घाटन प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से WHO के अध्यक्ष, देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भी मौजूद। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने रीवा की जनता, खासकर विंध की जनता के लिए इसको एक बड़ी सौगात बताया। वहीं राजेंद्र शुक्ला ने, स्थानीय विधायक ने कहा, जिस तरीके से बाढ़ सागर के पानी ने विंध की तकदीर बदली है, उसी तरीके से यह अस्पताल विंध के लोगों को बाहर जाने नहीं देगा। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं सुपर अस्पताल और वहां दिखाते हैं किस तरीके का नजारा है और किसने क्या कुछ कहा। देखिए, सुपर स्पेशलिटी में जगह हुए विभाग न होने के कारण रीवा के लोगों को बाहर इलाज के लिए जाना बंद नहीं है। और इसलिए आज ये सुपर स्पेशलिटी का जो अस्पताल हम लोगों को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी सौगात है। ये उतना ही बड़ा काम है। आज ये 7 अक्टूबर को जो ये काम हो रहा है, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जिस तरह से 25 सितंबर को 2006 में बाढ़ सागर का उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री जी आपने, और उस समय गंध में खुशी की लहर दौड़ी थी। और सिर्फ खुशी की लहर नहीं दौड़ी, उसके बाद जो पानी दौड़ा रीवा जिले के किसानों के खेत में, और रीवा जिले के किसानों ने जो धरती से दौलत पैदा करके अपनी आर्थिक तरक्की की, लोग कहने लगे हैं कि अब रीवा वो नहीं रहा, और रीवा बदल गया है, रीवा विकास की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ी योजना का यदि योगदान है तो बाढ़ सागर की योजना है, जो मुख्यमंत्री जी ने पूरा करके और उसको हम लोगों को उपलब्ध कराया। उसी प्रकार से सोलर प्लांट का उद्घाटन हुआ 20 सितंबर 2020 को, 10 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो भी रीवा के इतिहास को स्वर्ण अक्षर में लिख दिया है। रीवा का नाम देश और दुनिया में रोशन हो गया। दिल्ली की मेट्रो भी अब रीवा की बिजली से चलती है। जिस प्रकार से सोलर प्लांट का उद्घाटन ऐतिहासिक हो गया, जिस तरह से बाण सागर की योजना का उद्घाटन ऐतिहासिक हो गया, जिस तरह से बहुत में टाइगर सफारी बनाकर और व्हाइट टाइगर को हमारे जिंदगी पहचान रही, 3 अप्रैल को आपने 2016 में आकर उसका उद्घाटन किया था, वो ऐतिहासिक दिन हो गया। उसी प्रकार से आज सुपर स्पेशलिटी की सौगात दिल्ली की जनता को देके आपने रीवा इतिहास में आज का दिन भी विंध्यवासियों के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित कर दिया है। मैं रीवा की जनता की ओर से, दिल्ली की जनता की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और सच में आज मेरा दिल नहीं मान रहा, विंध्य का आभार प्रकट किए बिना, आपके बिना कभी भी शिवराज मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था चौथी बार, और बिना किसी संकोच के आज आपको प्रणाम करूंगा और आपके माध्यम से विंध्य की इस धरा को प्रणाम करूंगा, विंध्य की जनता को प्रणाम करूंगा। और प्रणाम हाथ जोड़ के नहीं, आज यहां से शीश झुका के अपने भाव व्यक्त करने करना। मैं दिमाग से नहीं, दिल से राजनीति करता हूं, दिल है कि मानता नहीं। सचमुच में आपने बिल्कुल प्यार किया, और संकल्प यह है कि विंध्य का विकास पहले भी किया, जैसे राजेंद्र जी और जनार्दन जी कह रहे थे, और आज भी आप सबके समक्ष हमारा संकल्प है कि रही खुली कसर 3 साल में और नए ब्याज के पूरी करके आपको देंगे। 15 महीने थोड़े पिछले, लेकिन कसर वो भी पूरी करनी है। तो कोरोना का काल आ गया, न्याय उसके पहले कोरोना आ गया, तो पहले पूरी एनर्जी उसी में लग गई। लेकिन आज साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मोदी जी के नेतृत्व को प्रणाम करता हूं। मोदी जी ने जो नेतृत्व दिया, मार्गदर्शन दिया, उसके कारण कोरोना के खिलाफ भारत ने लड़ाई लड़ी। 130 करोड़ का निवेश
आओ ना बोल देना। आज लग रहा है आप तो मुसलमान धर्म के कारण कोरोना से लड़ाई जीत रहा है। मध्य प्रदेश में भी लगातार अब एक्टिव प्रकरण का होते जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम जरा भी लापरवाही बरते हैं। ये कई बार दूसरी बार भी हमला करता है, आक्रमण करता है, पूरे भिन्न में रीवा जिले में कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बनवाए जाएंगे। विकास में भी कोई कसर नहीं और जनता के कल्याण में भी कोई कसर नहीं। आज राजन जी आपने कहा है छोटा सा अपना अस्पताल से जिला अस्पताल से नहीं, पहले हमने जिला अस्पताल बनाया, जिला अस्पताल को 100 बिस्तर का किया, आज आपने कहा 200 बिस्तर का, तो रीवा का जिला अस्पताल 200 बिस्तर का कर दिया जाएगा। उसके लिए कार्रवाई हम प्रारंभ करेंगे। सुंदर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार है, लेकिन डॉक्टर की आवाज की दिक्कत आपने बताई। अस्पताल के पीछे जो जमीन हमारे पास है, उस जमीन में हम डॉक्टरों के और स्टाफ जो भी हमारा है उनके आवास और बाकी व्यवस्थाओं के लिए बिल्डिंग की जो रूपरेखा बनाई है उसको भी शीघ्र ही साकार करेंगे। उस दिशा में हम तेजी से काम करेंगे ताकि डॉक्टर आए, रहने की बेहतर व्यवस्था यह हो, इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगे तो व्यवस्था बेहतर आपको देनी पड़ेगी, उसमें भी हम तेजी से काम करेंगे। आज एक बार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लोकार्पण के अवसर पर मैं एक बार फिर अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को याद करूंगा, उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं, अटल जी को श्रद्धा सहित नमन करूंगा, डॉक्टर साहब आपको धन्यवाद दूंगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।